OTT पर कितने करोड़ में बिकी बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स ने कितना खर्च किया, जाने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। बड़े मियां छोटे मियां थिएटर्स के बाद अब OTT पर रिलीज हो चुकी है। भले ही यह एक फ्लॉप फिल्म है, लेकिन इसके लिए नेटफ्लिक्स ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को ईद के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। उस वक्त इसकी टक्कर अजय देवगन के मैदान फिल्म से हुई थी। शुरुआत में अक्षय कुमार की फिल्म गजब की चली, लेकिन वीकडेज के आते आते फिल्म की हालत खस्ता हो गई। थिएटर्स में दर्शकों का प्यार न मिलने के बाद अब बड़े मियां छोटे मियां को OTT पर रिलीज कर दिया गया है। अगर आप भी बड़े मियां छोटे मियां को थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो अब फिल्म OTT पर रिलीज हो गई है और आपके लिए मौका है इसे देखने का। बड़े मियां छोटे मियां OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 7 जून को रिलीज हो चुकी है। अगर इस वीकेंड पर आपका कोई प्लान नहीं है और एक्शन फिल्मों के प्रेमी हैं, तो यह फिल्म आपके लिए ही है। बड़े मियां छोटे मियां थिएटर्स में बिल्कुल फ्लॉप रही है, ऐसे में इसको OTT पर रिलीज करना भी रिस्क ही था। अब नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म की स्ट्रीमिंग राइट पर भारी भरकम खर्चा कर दिया है। हालांकि इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो बड़े मियां छोटे मियां फिल्म ने पहले दिन 16.65 करोड़ की कमाई की थी, दूसरे दिन 7.5 करोड़, तीसरे दिन 8.5, चौथे दिन 9.5 करोड़ का कलेक्शन किया और पांचवे दिन से यह आंकड़ा 2.5 करोड़ पर आ गया। इस फिल्म ने कुल 64.75 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। सूत्रों की माने तो बड़े मियां छोटे मियां लगभग 350 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी थी, लेकिन थिएटर में फिल्म अपने बजट का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल सकी और अटर फ्लॉप हो गई। स्टार कास्ट के फीस की बात करें तो फिनांशियल एक्सप्रेस के अनुसार अक्षय कुमार ने बड़े मियां छोटे मियां में फिरोज की मुख्य भूमिका के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म में राकेश का रोल निभाने के लिए 40-50 करोड़ रुपए की फीस ली है। वहीं पृथ्वी राजकुमारन ने 5 करोड़ रुपए चार्ज किए। यह वीडियो आपको कैसी लगी? इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।